बात करते हैं अगली खबर की, जहां राजस्थान में अलग अलग दलों के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और आरएलपी नेता विक्रम सिंह गुर्जर भी शामिल हैं। इन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बेहद खास थे। पिछले चुनाव में जब इन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत करके आरएलपी से चुनाव लड़ा था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद विक्रम सिंह गुर्जर ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं और नीतियों से प्रभावित रहा हूं, पीएम के काम को देखकर भाजपा ज्वाइन किया है। नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करना और उस दिशा में सकारात्मक प्रयास, इसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों से विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे काफी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी ऐसे तीन कार्यक्रम, महेंद्र सिंह जी मालविया का एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर लालचंद जी कटारिया, यादव साहब, यशपाल मिर्धा जी, तीसरा कार्यक्रम हमने देखा कि प्रोफेसर यादव साहब, उनके साथ काफ़ी सारे लोग उसमें आए थे। आज भी राजस्थान के पश्चिमी अंचल से, जालौर से, वहाँ की राजनीति के कांग्रेस के बड़े हस्ताक्षर रहे, एक बार चुनाव लड़े, एक बार जालौर से विधायक रहे। श्रीमान रामलाल जी मेघवाल साहब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ ही लंबे समय से एक शिक्षक आंदोलन से जुड़े रहे, कॉलेज में प्रोफेसर रहे, बाद में निदेशालय कॉलेज शिक्षा में संयुक्त निदेशक के नाते काम किया, आर्थिक क्षेत्र में आए और पिछली बार उनियारा से आरएलपी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़े प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का तय किया है। इसी प्रकार दौसा से आने वाली मेरी बहन, जो पहले कभी अपना जीवन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते शुरू किया, युवा मोर्चे में काम किया, उसके बाद दौसा में परिवार में विवाह होने के कारण से कांग्रेस में सदस्य रही, वहाँ जिला परिषद की सदस्य रही, दौसा जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव रही, ऐसी भावना गर्ग, भावना सैनी, दौसा से पहले भारतीय थी, अब सैनी पार्टी के परिवार ज्वाइन कर रही है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन।